नमस्कार, मैं भाग्यश्री वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय राउत ने किया मोहन भागवत का समर्थन, उठाया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, देश में कश्मीरी पंडितों का पलायन रोकना है जरूरी। विजय वडेट्टीवार ने लोगों से मास्क लगाने व दूरी बनाए रखने की अपील, कोरोना के बढ़ रहे हैं पेशेंट। मुक्ताई पालकी का रथ 2 साल बाद पंढरपुर के लिए होगा रवाना, रथ को 2 वर्ष से एक ही स्थान पर रखा गया था खड़ा। अब खबरें विस्तार से। संजय राउत ने मोहन भागवत के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा कि मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूँ। इस देश में अनेक राज्यों में कश्मीरी पंडितों से ज्यादा नागरिक हिंदू या मुसलमान कठिन जिंदगी जी रहे हैं। मूवी का प्रमोशन करके निर्माता ने 400 से 500 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नसीब में पलायन ही लिखा है। संजय राउत ने मोहन भागवत के वक्तव्य का साथ देते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के नसीब में बस पलायन ही लिखा है। संजय राउत ने आगे बोलते हुए यह भी कहा कि आज की परिस्थिति पे कश्मीर फाइल्स 2 मूवी बनानी चाहिए। संजय राउत ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में देवेंद्र फडणवीस से भेंट की। उन्होंने कहा कि फडणवीस विपक्ष के नेते हैं और वह परिपक्व नेता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल ठीक नहीं है, जो चुनाव के कारण और बिगड़ सकता है। ईडी को पता लगाना चाहिए कि विधायकों को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के हित के लिए वहाँ गया है। ठीक है, मैं मोहनराव भागवत जी का जो बयान है उसका स्वागत करता हूँ। ये दर्दिन का झमेला बंद होना चाहिए, नहीं तो देश देश नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ये शिवलिंग ढूंढने के बजाय हमारे कश्मीरी पंडितों की जान की रक्षा कैसे करें, कश्मीर की रक्षा कैसे करें, इस बारे में सभी ने मिलकर सोचना चाहिए। चलिए, महाविकास आघाड़ी से नेते जे आहेत ते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेलेले आहेत। हे एक अत्यंत चांगलं पाऊल आहे दोन्ही बाजूंनी। देवेंद्र फडणवीस एक मॅच्युअर नेते आहेत, विरोधी पक्ष नेते आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, होते। एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आधीच या महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण अत्यंत प्रदूषित आणि गढूळ झालेलं आहे। या निवडणुकीच्या निमित्तानं हे वातावरण अधिक बिघडण्याची शक्यता सगळ्यांना वाटते। घुडेबाजार जो नावाचा जो शब्द आहे तो अत्यंत वाईट पद्धतीनं महाराष्ट्रात सुरू झाल्याचं मला दिसतं। राजकारणामध्ये जो पैसा आणला जातो आहे निवडणुका जिंकण्यासाठी, तो पैसा कुठून येतो याचा तपास ईडीने करायला हवा। आमदार विकत घेण्यासाठी आमदारांना जी प्रलोभनं दाखवली जात आहेत ती आमच्याकडून नाही। ही प्रलोभनं दाखवणारे कोण आहेत आणि कोटी कोटी रुपयाचे जे मी आकडे ऐकतो आहे, या आकड्यांमागचे सूत्रधार कोण आहे, हे आज महाराष्ट्राच्या जनतेनं याचा विचार करणं गरजेचं आहे। केंद्रीय तपास यंत्रणांनी त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे। अर्थात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे आहे ते महाराष्ट्राच्या हितासाठी, महाराष्ट्रातलं वातावरण उत्तम राहावं यासाठी जर विरोधी पक्षनेत्यांना भेटत असेल आणि त्यातून काही चांगला मार्ग निघणार असेल राज्याच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने, तर त्याचं स्वागत सगळ्यांनी केलं पाहिजे। सोलापूर जिले के सिकंदर टाकली में एक ऐसी घटना हुई है जहां एक मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं करने पर एक डॉक्टर दांपत्ति को पीटा गया, साथ ही उन्होंने मारपीट कर 8 से 10 हजार रुपए तक अस्पताल से चोरी कर लिए। मोहुल तालुका के टाकली सिकंदर में डॉक्टर संतोष बाबर और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेरणा बाबर का अनया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां भर्ती न करवाने पर कुछ लोगों ने इन डॉक्टर दंपति को मारपीट और गाली गलौज किया। इस मामले की शिकायत डॉक्टर दर्ज करवा चुके हैं। यह भी आरोप है कि भीड़ ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और 8,000 से 10,000 रुपये तक की चोरी कर ली है। इस मामले में मोहल थाने में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई मोहल पुलिस कर रही है। मी डॉक्टर संतोष बाबर, सिकंदर टाकळीचं 17 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतो आहे। परवाच्या दिवशी संध्याकाळी माझ्याकडे एक तपासणी करण्यासाठी पेशंट आला होता। मी बाहेर होतो, मला त्यांना फोन केला असता मी त्याला फोनवर बाहेर आहे म्हणून सांगितलं, तरी पण त्यानं खालून शिवीगाळ केली। दवाखान्यावर माझी मिसेसवर राहते, सगळ्यांना शिव्या दिल्या। त्यानंतर सकाळी त्यानं 30-40 पोरं घेऊन आला आणि येऊन माझ्या मला दमकावला,
आणि मला आणि माझ्याकडे जे अनुसूचित जातीची पोरं काम करतात त्यांना मारहाण केली, त्यांचे मोबाईल हिसकावून घेतले आणि माझ्या काउंटरमधील पैसे घेऊन गेले आणि मला सगळ्यांनी दमदाटी केलेली आहे. माझी इच्छा आहे की माझं काही संबंध नसताना, मी कधी कुणाच्या वाकड्यात नसताना, ह्या 40 लोकांनी ना मी कधी बोललो नसताना ह्यांनी माझ्याकडे का आले आणि मला काय केलं, त्या 30 ते 40 लोकांची सगळ्यांची नावं मला माहिती व्हावी, पोलिसांनी त्याचा शोध घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. आणि सगळ्यांची नावं रेकॉर्डवर येऊ द्या, मला कळू द्या की त्या लोकांनी का माझ्याकडे एवढे आले, कशासाठी, आम्ही काय गुन्हा करतो की बाबा आम्हाला विनाकारण येऊन ही लोक त्रास द्यावी त्यांनी. काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना व्हायरस से संक्रमित हो गई है. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. प्रियंका से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को संक्रमित हुई थी. प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, मैंने हल्के लक्षणों के साथ मेरी कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है. मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी जो मेरे संपर्क में आए हैं, वे सभी अवश्य सावधानी बरसें. मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बढ़ते कोरोना रुग्णों की संख्या को देखते हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, सभी इस परिस्थिति का सामना करें, अपना ख्याल खुद रखें, मास्क लगाएं, अंतर बनाए रखें. विजय वडेट्टीवार ने लोगों को आह्वान करते हुए आगे कहा कि स्कूल महाविद्यालय शुरू होने के बाद, बारिश का मौसम शुरू होने के बाद कोरोना के पेशेंट्स ना बढ़े, इसलिए नियम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसका साफ ख्याल रखें. अगर परिस्थितियां बिगड़ती हुई नजर आई और पेशेंट्स बढ़ने लगे तो राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी. आने वाले 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है. भले ही चुनाव प्रक्रिया का समय है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग को विनती करनी पड़ सकती है. नक्कीच, रुग्णसंख्या जी आता जे झपाट्यानं वाढते आहे, आज 1800 जवळपास आत्ता रुग्णसंख्येचा आकडा गेलेला आहे आणि अशा स्थितीमध्ये रुग्णसंख्या दुरुस्त होण्याची किंवा बरे होण्याचं प्रमाणही मोठं आहे. जवळपास 98% वर रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण आहे आणि या सगळ्या परिस्थितीचं अवलोकन केल्यानंतर आत्ताची वाढती रुग्णसंख्या भविष्यात या परिस्थितीला पुन्हा सामोरं जाण्याची आवश्यकता पडूच नये असं जर लोकांना वाटत असेल तर लोकांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे, मास्क लावण्याची आवश्यकता आहे आणि बाकी गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळलं पाहिजेत आता आणि स्वतःची काळजी स्वतः घ्यावी. या सगळ्या परिस्थितीतून जर निर्बंधाला सामोरं जाण्याची आवश्यकताच पडू नये असं जर वाटत असेल, आज आपण यावर अधिक भाष्य करण्याची मला वाटते आवश्यकता नाही, पण पुढची परिस्थिती पाहून राज्य शासन आणि माननीय मुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेतील. गोंदिया के सिटी पुलिस थाना में कार्यरत महिला पुलिस कर्मचारी ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जबकि फिलहाल इस महिला कर्मचारी की तबीयत में सुधार है. गोंदिया सिटी पुलिस थाना अंतर्गत नीतू चौधरी, उम्र 32 वर्ष, सिपाही महिला कार्यरत है. सूत्रों के अनुसार पुलिस स्टेशन के पीछे हॉल में इस महिला सिपाही ने फिनाइल सेवन कर सुबह 11 बजे के दरमियान आत्महत्या का प्रयास किया. उसके बाद उसे तुरंत शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. देर रात तक उसकी तबीयत में सुधार दिख रहा है. सूत्रों के अनुसार ऑफिस में डांट पड़ने की वजह से यह आत्महत्या किए जाने का मामला दिख रहा है. फिलहाल तबीयत में सुधार है, जबकि शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है. त्यांना वरून सूचना केली गेली की कोणाला भेटू द्यायचं नाही, कोणाशी बोलू द्यायचं नाही आणि असा त्यांना ऑर्डर असल्यामुळे या संदर्भात त्यांनी ज्या सूचना केल्या त्यानुसार मी त्यांना भेटू शकले नाही आणि आतमध्ये जाऊ शकले नाही. कारण त्यांना याच्यावर कुठं ना कुठं दबाव असेल आणि म्हणून तेही बोलत नाही, बाकी कोणी बोलत नाही. आमची एक इच्छा होती की जिनं सुसाईड केली ते म्हणजे प्रसंग काय घडला की ज्याच्यामुळे म्हणजे आत्महत्येपर्यंतचं पाऊल तिनं उचललं, बस तिला विचारायचं होतं. बाकी तर आपल्याला गाजावाजा कोणत्या गोष्टीचा करायचा नव्हता. एक माणुसकीच्या नात्याने, एक स्त्रीच्या या नात्यानं या प्रकरणाचा फक्त शहानिशा करायचा होता. एक सहानुभूती आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत, बस एवढं द्यायचं होतं. कारण माणूस संघर्षामध्ये किंवा एखादं टोकाचं पाऊल उचलतं त्यावेळेस तो एकटा असतो आणि एकट्याला त्यावेळेस शब्दाचा धीर फार मोठा असतो आणि या धीर देण्यासाठीच आम्ही आलो. आम्हाला आज जाऊन VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश.
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आपका स्वागत है। औरंगाबाद में शिवसेना की ओर से शहर के सिडको हड़को क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में 8 जून को होने वाली एक भव्य बैठक के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निमंत्रण को आज नागरिकों को दिया गया है। इस अवसर पर शिवसेना विधायक अंबादास दानवे के मार्गदर्शन में शिवसेना नेता राजू वैद्य, संतोष जेजुरीकर, विश्वनाथ स्वामी, मकरंद कुलकर्णी, बद्रीनाथ गार्गे, चंद्रकांत देवराज, किशोर राजपूत आदि को सिडको क्षेत्र के हर घर में आमंत्रित किया गया है। शिवसेना नेता राजू वैद्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में नागरिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए शिवसेना नेता राजू वैद्य ने कहा कि लोगों को मोर्चा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि शिवसेना का काम बड़ा है इसलिए मुख्यमंत्री की बैठक में लोगों की भारी प्रतिक्रिया है। 8 जूनला शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहब यांची शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त संभाजीनगर इथे सभा आहे। या सभेसाठी लोकांमध्ये खूप उत्साह आहे। आमच्या शिवसैनिकांमध्ये तर निश्चितपणे खूप मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे। सगळे शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून घरोघर जाऊन लोकांना विनंती करतायत की सभेला यायला पाहिजे। आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, मुख्यमंत्री झाल्यापासून या शहरासाठी 1680 कोटीची पाण्याची योजना दिली आहे, 350 कोटी रुपये रस्त्यासाठी दिले आहेत आणि अनेक विकास कामासाठी उद्धव साहेबांनी स्वतः लक्ष घातलं आहे। त्यामुळं लोकांमध्ये खूप उत्साह असल्यामुळं ही सभा अतिशय विराट आणि भव्यदिव्य होणार आहे, याबद्दल काही शंका नाही। पण आम्ही सगळे शिवसैनिक घरोघर जाऊन नागरिकांना विनंती करून त्यांना निमंत्रण देत आहोत की त्यांनी सभेला यावं। आषाढी वारी के अवसर पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आदिशक्ति मुक्ताबाई की पालकी 3 जून को आषाढी वारी के अवसर पर पंढरपुर के लिए रवाना होगी। संस्थान की ओर से विजय तैयारी समारोह के अवसर पर पालकी के रंग बिरंगे व वारकरी परिधानों के लिए विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। मुक्ताई पालकी का रथ 2 साल बाद पंढरपुर के लिए रवाना होगा। रथ को 2 वर्ष से इसी स्थान पर खड़ा किया गया था, लेकिन इस वर्ष पैदलवारी उत्सव होने के कारण मुक्ताबाई संस्थान ने इस स्थान पर रथ और पालकी की रंगारंग शोभा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। संपदा सोहळा नावडे मनाला, लागला टकळा पंढरीचा, जावे पंढरीसी आवडे मानसी, कै एकादशी आषाढी। या तुकोबारांच्या उक्तीप्रमाणे सगळ्या खानदेशातील नवे महाराष्ट्रातील आणि सगळ्या वारकऱ्यांना आषाढी वारीचे वेद लागलेले असतात। आणि आता आदिशक्ती मुक्ताबाई महाराष्ट्रातील सगळे संत, समंद संत, ज्ञानोबारेण म्हणावं माझे जीवीची आवडी पंढरपुराने न गुढी, आणि म्हणून जे जे संत ज्या ज्या ठिकाणी समाधिस्त आहेत
त्या समाधीस्थळावरून त्या त्या संतांचा पालखी सोहळा पंढरपूरच्या दिशेने आता निघणार आहे. त्यामध्ये निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम हे सात मानाचे पालखी सोहळ्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यामध्ये आदिशक्ती म्हणून श्री संत म्हणून मुक्ताबाईंचा अगदी मानाचा आणि फार लांबून जाणारा श्रीक्षेत्र मुक्तनगर ते पंढरपूर अर्थात तापीतीर ते भीमातीर असा पालखी सोहळा उद्या प्रस्थान करणार आहे. आदिशक्ती मुक्ताबाईंचा हा पालखी सोहळा इतर सोहळ्यांपेक्षा आगळा आणि वेगळा आहे. मौदा शहर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंकिंग ATM वित्तीय धोखाधड़ी फर्जी कॉल केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित है. नीट फाउंडेशन की ओर से आम जनता को इससे अवगत कराया जाता है. इसलिए नीट फाउंडेशन की ओर से कोराट गाँव में डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया. मऊदा में नीट फाउंडेशन की ओर से कोराड़ गांव में डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बचत खाता, प्रधानमंत्री श्रमनिधि मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजनाएं, ये सभी योजनाएं सभी सामान्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस संबंध में मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में दिया गया. गांव में महिलाएं डिजिटल हो, ATM लेनदेन डिजिटल रूप से किया जाना चाहिए. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए नीट फाउंडेशन द्वारा जागरूकता पैदा की गई थी. गांव के लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही और ग्रामीणों की उपस्थिति में भागीदारी प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया. ATM कार्ड वगैरे राहते कोणी ब्लॅकमेल करतात, फोन करून फसवणूक करतात, त्याच्याबद्दल जनजागृती आणि जी गावातील काही महिलांना माहीत नाही कशी बचत करायची का करायची अशा रुटीन जनजागृती होईल सगळ्यांना माहीत होते. तुम्ही माहिती दिल्याबरोबर सगळ्या बायांना थोडंशा माहीत झालं कसं करायचं का करायचं. बर, सगळ्यांना जनजागृती होते आणि जे गावातील लोक आहेत त्यांना समजत नाही की बचत कशी करायची. लहान मुली राहते, मुलं राहते, त्यांच्या शिक्षणासाठी याच्यासाठी ते विमा काढायचं हे काढायचं सगळी माहिती. सर म्हणून आम्हाला सर आले आहेत मोद्यावरून, त्यांना जानकारी खूप चांगली दिली आहे. काहून की आपल्या गावामध्ये आम्ही जागृत महिला नाही आहे, कोणी शेती करी राहते, कोणी शिक्षा सवरले बाया नाही राहत, त्याला त्यांच्याबद्दल चांगली जानकारी दिला त्यांना. कोणी कोणी बी आपल्याला फोन लावून देते का तुमचा खाता नंबर सांगा हे सांगा ते सांगा, आपण कोणीही भलत्या माणसाला जानकारी देऊन देतो त्याची जानकारी आम्हाला सरांना दिला. ते जानकारी चांगली दिला ते आता आपल्याला नॉलेज झाला तर त्याच्याबद्दल आता आपण जागरूक झालं तर आता दुसऱ्याला आपण खाता नंबर देऊ नाही शकत. BKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट. शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसमें दो लोग अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे से उम्र भर तक का साथ निभाने का वादा करते. शादी विवाह एक युवती के लिए वह खास मौका होता है. हर लड़की का सपना होता है कि एक दिन वह दुल्हन बनेगी और अपने जीवन साथी के साथ सात फेरे लेगी. लेकिन क्या आपने सुना है आत्मविवाह के बारे में? जी हाँ, ऐसा विवाह जिसमें युवती खुद से शादी कर लेती है. इतना ही नहीं, आम शादियों की तरह मंडप सजाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और पारंपरिक तरीके से शादी होती है. लेकिन यहाँ वर नहीं होता है, केवल वधु ही होती है. ऐसी हैरान कर देने वाली शादी गुजरात के वडोदरा में होने वाली है और यह प्रदेश की पहली ऐसी शादी होगी. वडोदरा की 24 वर्षीय क्षमा बिंदु ने खुद से ही शादी करने का फैसला किया है. इतनी कम उम्र में खुद से शादी करने वाली यह युवती देश की और गुजरात की पहली युवती बनेगी. क्षमा बिहार की रहने वाली है और पिछले 4 साल से वडोदरा में रह रही है. खास बात तो यह है कि आम लड़कियों की तरह वह भी दुल्हन बनना चाहती है लेकिन शादी करने से भागती थी. नतीजतन उन्होंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया. हालांकि भारतीय समाज में ऐसे विवाह को कुछ लोग स्वीकार न करें लेकिन मैं इस तरह की शादी को बढ़ावा देना चाहती हूँ और यह एक अलग दृष्टिकोण साबित होगा. यह एक ऐसा निर्णय है जो मेरे माता पिता ने भी मुझे उपहार में दिया है. 11 जून को गोत्री मंदिर में क्षमा आत्मविवाह करेंगी. खुद से शादी करते हुए क्षमा वडोदरा शहर के गोत्री में स्थित महादेव मंदिर में खुद से 5 वादे करेंगी. क्षमा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कुछ निजी मित्रों को आमंत्रित किया है और शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है. तो अभी दोपहर की खबरों में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए BKB न्यूज. नमस्कार.